कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है। मैं समझता हूं कि दुनिया की कुछ इमारतें भी ऐसी हैं जिनके पीछे खवातीन का हाथ रहा है। कुछ इमारतें ऐसी हैं और कुछ इमारतों से मुंसलिका आर्ट्स ऐसे हैं जिनमें खवातीन का भरपूर हाथ है। मिसाल के तौर पर बेबीलोनिया में जब नबूशादनज़ार ने हैंगिंग गार्डन्स तामीर करवाए तो उनके पीछे उसकी बेगम जो आर्मेनिया से ताल्लुक़ रखती थी उसका गहरा हाथ था। हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा ने बगदाद से मदीना और मक्का तक सड़क तामीर करवाई और इस सड़क के दोनों जानब बहुत सी सराएँ तामीर करवाईं और फिर एक नहर भी बनवाई जो ताइफ से मक्का तक आती और हाजियों को पानी मुहैया करती। बरसगीर हिंदू पाकिस्तान में जहांगीर की बीवी नूरजहान ने ऐसी बहुत सी सराएँ बनवाईं। इनमें से एक सराय आज भी बेगमशाही सराय के नाम से अटक के मुकाम पर मौजूद है और ये दरिया सिंध के किनारे वाक़े है और टूरिस्ट को आने की दावत देती है। काश्तकारी का काम जो आपको इन दीवारों पर नज़र आ रहा है, कहते हैं कि जब अमीर तैमूर चीन से ईरान आया तो उसकी बीवी उसके हमराह थी और काश्तकारी के काम में वो बहुत महारत रखती थी। उस वक़्त ये काम काश्तकारी नहीं बल्कि चीनी कारी कहलाता था। ये काम जो इस दीवार पर है और जिसे हम म्यूरल डेकोरेशन कहते हैं, यही हमारा आज का मौजू है। बड़ी जल्दी अमीर तैमूर की बीवी का ये फ़न ईरान में मकबूल हुआ और ईरान के बड़े बड़े शहरों में टाइल बनाने के और इस किस्म की फाइनेंस के कारोबार और मरकज़ कायम हो गए। सबसे बड़ा मरकज़ काशान के शहर में कायम हुआ और काशान ने सारी दुनिया को इस किस्म की टाइलें एक्सपोर्ट करना शुरू की। यह काशान के नाम से ही है कि यह काम आज भी काश्तकारी कहलाता है। इसके दीगर नामों में काश्तकारी के अलावा चीनीकारी, सीनीकारी, क्योंकि चाइना को सीना या साइनो भी कहते हैं, सीनीकारी और फाइनेंस वर्क या पोर्सलेन मोज़ेक वर्क भी कहते हैं। ये तमाम के तमाम एक ही किस्म के फ़न के बहुत से नाम हैं। किला लाहौर की यह दीवार हाथी दरवाजे से शुरू होकर इससे मशरक तक, मशरकी कोने तक चली जाती है और उसकी तकरीबन कुल लंबाई 1650 फुट है। यह दीवार 55 फुट ऊंची है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यह दुनिया की सबसे बड़ी म्यूरल डेकोरेशन है। इसमें जो हमें तस्वीरें मिलती हैं वो बहुत से नमूनों पर मुश्तमिल हैं। मसलन इसमें ज्योमेट्रिक वर्क भी है, इसमें इंसानों और जानवरों की तस्वीरें भी हैं और इसमें अरबेस्क वर्क भी है। लाहौर में टाइल वर्क या काश्तकारी का काम 1351 में सबसे पहले नज़र आता है, लेकिन फिर उसके बाद शाहजहां के दौर तक ये काम हमें नज़र नहीं आता। जिस ज़माने में ये काम ईरान पे अपने ज़ोरों पे था, कहते हैं इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शहर इस्फहान में हुआ और एक मुफक्कर ने ईरान इस्फहान की इमारात को देखकर ये कहा था कि इस्फहान निसफ जहानस्त, यानी कि इस्फहान का शहर आधी दुनिया है। लेकिन जब यह फ़न लाहौर में आया और इसने शाहजहां के दौर में खूब तरक्की की तो फिर उसी मुफक्कर और उसी तर्ज के मुफक्कर ने कहा कि ईरान इस्फहान निसफ जहान अस्त दर लाहौर, गर लाहौर ना बाशिद, कि इस्फहान निसफ जहान है अगर लाहौर की इमारतें और यहाँ की डेकोरेशन ना हो। यह आलम था उस वक़्त की डेकोरेशन का। शाहजहां के दौर में जिन इमारात पे यह काम बड़े ज़ोर शोर से हुआ उनमें मस्जिद वज़ीर ख़ान, चबुर्जी, दायंगा का मज़ार, गुलाबी बाग, शालामार बाग के कुछ दरवाज़े और मोची दरवाज़े के अंदर वाक़े मोहम्मद साले कंबो की मस्जिद भी नुमाया है। पहली मंजिल सतह ज़मीन से तकरीबन 20 फुट ऊपर तक चली जाती है। यह अजीब इत्तेफाक है कि हमें इसके नीचे नीचे कोई बॉर्डर नज़र नहीं आता, जो कि एक बिल्कुल अनहोनी सी बात लगती है। यह तमाम की तमाम तामीर छोटी ईंटों से की गई है, जैसा कि आप इस ईंट से बखूबी देख सकते हैं। तमाम दीवार को छोटे बड़े पैनल्स में तकसीम कर दिया गया है। इनमें अमूदी पैनल्स ज़्यादा हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ एक वर्टिकल पैनल हमें नज़र आता है जिसके अंदर एक ब्लाइंड आर्च दी गई है। यहाँ ये जो एक ट्रायंगल बनती है इसको हम टेक्निकली स्पेंड्रल
कहते हैं। इस वक्त जो हमें ज़्यादा डेकोरेशन नज़र आ रही है वो आगे चल के हम देखते हैं वो इन स्पेंडल्स में ही वाक़ है, जैसा कि इस स्पेंडल से वाज़ है, जबकि आज के बीच का हिस्सा अक्सर खाली है। लेकिन इससे आप ये बिल्कुल मतलब अक्स ना करें कि ये हिस्से खाली थे। ये दुरुस्त है कि यहाँ काशीकारी का काम नहीं था, लेकिन अब भी कुछ पैनल्स को अगर हम देखें तो इन जो आर्चेस का दरमियानी हिस्सा है वहाँ हमें पेंटेड वर्क नज़र आता है। नतीजा ये निकला कि तमाम की तमाम दीवार पर आराइश थी, कुछ आराइश काशीकारी के ज़रिए थी और कुछ आराइश पेंटेड वर्क के ज़रिए थी। अब ज़रा इस पैनल का या इस पेंडल का जायज़ा लीजिए। यहाँ हमें जो पीले रंग का पत्थर नज़र आ रहा है वो एक मुकम्मल छोटी सी ईंट है। इसी तरह ये जो सितारा नज़र आ रहा है ये भी एक मुकम्मल ईंट है, और इसके बीच में ये जो जर्द नुक्ता है ये एक अलग ईंट है। या यूँ समझिए कि जितने रंग हैं और जितनी शक्लें हैं उतनी ही ईंटें हैं। बल्फाज दीगर ये एक फिलिगिरी का काम है, जैसा कि एक जौहरी या जेवर बनाने वाला छोटा छोटा और नहायत बारीक काम करता है, बहन ही उसी तरह ये काम छोटे छोटे हिस्सों, छोटी छोटी ईंटों और छोटी छोटी टाइलों को जोड़कर किया जाता है। ये इंतहाई मुश्किल काम है। इन ईंटों की गहराई तकरीबन आधे इंच के करीब है और ये प्लास्टर में दबा दी जाती हैं। दूसरी मंजिल पहली मंजिल के ऊपर जो छोटी सी कॉर्निस है वहाँ से शुरू होती है और यहाँ से शुरू होकर ऊपर की कॉर्निस तक चली गई है। दरमियान का फासला तकरीबन 35 फुट है और नीचे की मंजिल के 20 फुट को मिलाकर ये तमाम ऊंचाई 55 फुट के करीब बन जाती है। पहली मंजिल की तरह दूसरी मंजिल भी बहुत से पैनल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन पैनल्स में पहले वो पैनल्स हैं जो मुस्ततील हैं और डिप्रेस्ड हैं। इन डिप्रेस्ड पैनल्स के अंदर फिर आर्च पैनल्स हैं, यानी ब्लाइंड आर्चेस दी गई हैं, वो भी मजीद डिप्रेस हैं। पहला पैनल कोई 3 इंच अंदर है, फिर दूसरा पैनल मजीद 3 इंच अंदर है। आर्च के गिर्द ऊपर जो तिकोने बनती हैं उनको हम स्पेंडल्स कहते हैं। इन स्पेंडल्स में जा बजा हमें डेकोरेटिव मोटिव्स नज़र आते हैं जो पत्तों और फूलों पर मुश्तमिल हैं और अपने अंदर अरबस मोटिव को लिए हुए हैं। जबकि जो स्क्वायर पैनल्स हैं उनमें हमें इंसानों जानवरों की तस्वीर नज़र आती हैं। तीसरे पैनल्स वो हैं जो नहायत बारीक और अमूदी खड़े हैं, इनमें बैलेंस फ्लोरल मोटिव्स नज़र आते हैं। ये तमाम के तमाम इस दीवार पर इस तरह फैले हुए हैं कि अगर तमाम मंजर को एक साथ देखें तो एक हमें बहुत बड़ी म्यूरल पेंटिंग नज़र आती है। ऊपर जाकर एक बॉर्डर है, इस बॉर्डर में हस्तपहलू सितारे हैं जो नीली धारी से बनाए गए हैं। इन सितारों के अंदर एक और सितारा है जो पीले रंग पर मुश्तमिल है, और इन सितारों के इर्द गिर्द ऐसी अशकाल हैं जो देखने में तो सह पहलू नज़र आती हैं, लेकिन अगर उनके पहलू गिने तो हर सह पहलू शक्ल के 9 पहलू बनते हैं। ये अंदर अपने अंदर एक बड़ा इंट्रिगिंग किस्म का डिज़ाइन रखती हैं। दुनिया की इस अजीम म्यूरल में हमें जो तस्वीर नज़र आती हैं उनमें हाथी, घोड़े, हिरन, इसके अलावा उस वक़्त के सिपाही, परियां और ड्रैगन्स भी शामिल हैं। ड्रैगन्स को ये देखकर यकीनन अंदाज़ा होता है कि इस फ़न पर चीनी फ़न का गहरा असर है। इन तस्वीर में जो रंग ख़ास तौर पर नुमाया हैं उनमें नीले रंग के 2-3 किस्में हैं। इनमें नीला, हल्का नीला, गहरा नीला और टर्कोइज, जिसे हम फिरोजी रंग कहते हैं, वो शामिल है। इसके अलावा सफ़ेद, सब्ज और नारंगी रंग भी शामिल है। दिलचस्प अमर यह है कि इसमें कुछ गहरे रंग बिल्कुल नहीं पाए जाते। मिसाल के तौर पर हमें सुर्ख रंग की कहीं कोई निशानी नज़र नहीं आती। इसकी एक वजह यह है कि जितने भी रंग इस्तेमाल किए जाते थे वो तमाम के तमाम मिनरल्स या अर्थ कलर से तैयार किए जाते, लिहाजा वही रंग इस्तेमाल में आते जो ज़मीनी रंगों या मिनरल से अखज किए जा सकते थे। पुरानी इमारात की बहाली, कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन का काम बड़ा कठिन और बहुत ज़्यादा पैसा खाने वाला है। शाहबुर्ज पे जो म्यूरल डेकोरेशन है वो भी काफ़ी हद तक वक्त के साथ साथ बर्बाद होती जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें हम किसी महकमे को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि काशीकारी का काम एक ऐसा काम है जिसकी बहाली तकरीबन नामुमकिन है।
تاہم یہ پہلو افسوسناک ہے کہ یہ کام وقت کے ساتھ ساتھ منہدم ہوتا جا رہا ہے. شاہ برج یہ عمارت ہے جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے اور جسے شاہ جہان نے ہی تعمیر کروایا تھا اور اسی پر شیش محل اور نو لکھا جیسی عظیم عمارتیں ہیں. یہ اسی کی پہلی منزل ہے. یہ تمام کی تمام کاشی ورک سے مزین تھی. کاشی ورک کا کام اتفاق ہے کہ شاہ جہان کے دور میں ہی شروع ہوا, شاہ جہان کے دور میں ہی اپنے عروج پہ پہنچا اور پھر اتفاق سے شاہ جہان کے دور میں ہی یہ تقریباً ختم ہو گیا. شاہ جہان کے دور کے بعد ہمیں کوئی ایسی عظیم عمارت نہیں ملتی جس پہ یہ کاشی کاری کا کام کیا گیا ہو. پاکستان میں اب بھی کسی حد تک یہ کام ہو رہا ہے لیکن وہ صرف نیلا رنگ کی ٹائلوں تک ہی محدود ہے, جیسا کہ ہم یہ کام ملتان کے بہت سی عمارتوں میں دیکھتے ہیں. اب بھی یہ کام ملتان میں اور سندھ میں حالانکہ مقام پر ہو رہا ہے لیکن اس کی کوالٹی بتدریج گرتی جا رہی ہے, کیونکہ نہ ہی اب اس کو وہ پیٹرنیج حاصل ہے اور نہ ہی اتنے ضائع ہیں کہ اس کام کو دوبارہ بحال کیا جا سکے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.